नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इंदौर की घटना को लेकर कहा कि यह घटना निश्चित रूप से अमानवीय है, सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए सख्त कार्रवाई की है, इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति कभी न हो इसके लिए विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं। इंदौर में बुजुर्गों को कचरा गाड़ी में डालकर फेंकने वाली घटना से नाराज मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार इसको गंभीरता से ले रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि इंदौर नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा बीमार गरीब बुजुर्गों को शहर से बाहर छोड़ने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद कई संगठनों ने इस पर आपत्ति जाहिर की थी। सरकार ने गंभीरता से इसको लिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इसमें जो उपायुक्त थे वरिष्ठ अधिकारी उनको निलंबित किया है, कार्रवाई की जा रही है, आगे भी कहीं इस प्रकार की कोई पुनरावृत्ति ना हो इसको लेकर विभाग के अंदर स्पष्ट निर्देश जारी कर रहे हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।